मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जा रहा हूं कानपुर और ये हमारी ट्रिप होने वाली है अमेजिंग, क्योंकि कानपुर में कल 28 तारीख है, कल कानपुर मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और हम जा रहे हैं उन्हीं से मिलने, मोदी जी से मिलने। ब्लॉग बनाएंगे कानपुर मेट्रो का फर्स्ट। तो फाइनली हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। मेरे ये रहा रेलवे स्टेशन, ये पीछे वाला रास्ता है, इसके उस साइड का एक और रास्ता है, ये पीछे का रास्ता है, मेन रास्ता उस साइड का है। तो अभी क्या रोड गाड़ियां आ रही, तो अभी हमें रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, उस पार चलते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ का दिखाते हैं, वहाँ का शूट करते हैं, वहाँ का दिखाते हैं, तो वहाँ चलते हैं। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने ट्रैक पे। तो ये है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन और हम यहां से चलते हैं। मेरी गाड़ी ट्रैक पर एक नंबर ट्रैक पर आएगी, बट मैं फिर भी दो नंबर ट्रैक पर जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर इतनी भीड़ नहीं है, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर दो पे हूं। ये प्लेटफॉर्म नंबर दो है और ये तीन है। भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन बहुत शांत स्वभाव का रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। वैसे जब मैं लॉकडाउन में ट्रैवल किया करता था तब तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट तब बहुत ज़्यादा खाली हुआ करता था, बट अभी तो हैं काफ़ी लाइटिंग। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, इट्स द फर्स्ट टाइम जब हमारी गाड़ी 20 मिनट पहले आई है। टाइमिंग इसका है 6:45 का, बट ये आई है 6:25 पर, मतलब इतनी जल्दी, और प्लेटफॉर्म नंबर दो पे आई। जो लोग नए लोग आ रहे होंगे वो तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वो तो प्लेटफॉर्म नंबर पर एक पर गाड़ी आती है और दूसरा, और इतनी जल्दी कौन लेके आता है मेरे भाई, इतनी जल्दी। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जा रहा हूं कानपुर और ये हमारी ट्रिप होने वाली है अमेजिंग, क्योंकि कानपुर में कल 28 तारीख है, कल कानपुर मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और हम जा रहे हैं उन्हीं से मिलने, मोदी जी से मिलने, और मेट्रो में फर्स्ट ट्रायल लेने वाले हैं। अगर मौका मिला तो मेट्रो में फर्स्ट ट्रायल लेंगे, व्लॉग बनाएंगे कानपुर मेट्रो का फर्स्ट, क्योंकि कल 28 तारीख है। कल मैं ये डायरेक्ट, ये मेरी जो गाड़ी आ चुकी है उदयपुर से कामाख्या तक है, तो मैं भीलवाड़ा से ट्रैवल कर रहा हूँ, भीलवाड़ा से ऑब्वियसली मैं कानपुर ही पहुँचूँगा। उससे पहले मैं देखता हूँ, अगर गाड़ी रुकेगी तो फिर देखेंगे, नहीं रुकेगी तो सीधा मैं कानपुर अनवरगंज या कानपुर सेंट्रल। तो कानपुर वालों हम आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब मैं ट्रेन में जाता हूँ, और क्योंकि और यहाँ पर इतनी ठंड नहीं हो रही जितनी मैंने पहन रखा है, मुझे गर्मी लग रही है एक्चुअल में। और मैं बाहर इसलिए हूँ क्योंकि गाड़ी हमारी 6:47 पे चलेगी और अभी 6:30 टाइम हो रहा है, तो मतलब 15 मिनट है, तो गाड़ी के अंदर जाके बैठने का क्या मतलब, बाहर बैठो थोड़ी हवा खाओ। और भीड़ है, एक्चुअल में भीड़ है, हमारी टिकट कंफर्म है, सबसे अच्छी बात है। सो चलते हैं अंदर। ट्रेन हमारी चल रही है और मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो और मैं माइक नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और अगर मैंने माइक नहीं निकाला तो भी उसमें वॉइस बहुत तेज आएगी, इसलिए मैं उसको नहीं निकाल पा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसे ही मैं वॉइस में कुछ चेंजेस करूँगा अगर कर सकता हूँ तो क्योंकि मैंने सोचा बीच बीच में याद दिलाता रहा कि चल क्या रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं आगे, थोड़ा आगे देखते हैं चल के क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, चलते हैं। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं। तो हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं आगे क्या हो रहा है, मैं खाली नहीं बैठ सकता इसलिए। ओह माय गॉड, सो इट्स अमेजिंग, यहाँ पर अंधेरा है, आई डोंट नो ये कौन सा कोच है, यहाँ पर अंधेरा है, ओह माय गॉड, इट्स अंधेरा। हाँ, दू
और देखो आने जाने की देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं। सो ये मैं शूट कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही रैंडम, क्यों मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं खाली बैठ के करूँगा क्या, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी में आके खड़ी कर दी। सो अजमेर जंक्शन, तो ये जयपुर, सॉरी ये अजमेर है, अजमेर हम आ चुके हैं। लाइक हमारी गाड़ी का हॉर्न बज चुका है और हम चलते हैं। हो माय गॉड, ये अजमेर है, एक्चुअली दूसरी गाड़ी आई है, मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कंफ्यूज हो गया। अभी हमारी गाड़ी का टाइम होने में है और अब हमारी गाड़ी निकलेगी, जैसे ये गाड़ी वो वाली गाड़ी जो उधर आई वो निकलेगी, वैसे हमारी ये गाड़ी निकलेगी। अजमेर रेलवे स्टेशन, काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम देखते हैं आगे की प्लानिंग कैसे रहेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो जयपुर का आएगा और ये अजमेर का है। मैंने स्पेशली ये बाइक कर लिया है, भूख लगी थी खाने के लिए। हो देखते हैं गाड़ी कब चलेगी, गाड़ी चलेगी फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब चलते हैं, अजमेर से हमारी गाड़ी निकल चुकी है, नेक्स्ट स्टॉप इसका जयपुर होगा। सो जयपुर तक हम वेट करेंगे और हमारी चाय, कुल्लड़ वाली चाय जो हमें लाइक कहाँ पे मिलेगी, अजमेरा जंक्शन में मिलेगी, नाइट के 3 बजे मिलेगी हमें अजमेरा जंक्शन पे। सो अब हम ऐसा करते हैं अंदर चलते हैं और जो लिया है वो खाते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो चलते हैं। सो फाइनली हम लेट चुके हैं और ये मेरा कम्बल है जिसको मैं लेके आया था और ये मेरे तकिए का काम कर रहा है, पिल्लो का काम कर रहा है। बैग मेरे सामने रखा हुआ है और हमारी सबसे ऊपर की सीट है और मैंने जैकेट निकाल दी। एक्चुअल में मुझे गर्मी लग रही थी और ठंड इतनी है नहीं, बट कहते हैं ना कि लाइक अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ठंड ज़्यादा लगेगी, तो मैंने फिर भी ले लिया, बट इतनी नहीं लग रही, मैंने जैकेट भी खोल दिया इसलिए मुझे और गर्मी लग रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई पंखा चला दे या नहीं चला दे, कोई कुछ बोले ना, तो और नीचे काफ़ी लोग लेटे हुए हैं, अगर मेरी नीचे की सीट होती तो मैं खिड़की खोल के बैठ जाता, लेकिन लेटता नहीं। अभी जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो हमारा जयपुर आएगा, तब तक हम कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं और मैं आपको अपना ऊपर का कोच दिखाऊं तो ये हूँ। सो फाइनली जयपुर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:03 और हम सही टाइम पर पहुंच गए हैं। एक्चुअली गाड़ी तो पहले ही आ गई थी, वो वहाँ रुक गई थी, इसलिए हम अपने टाइम पर स्टेशन पे पहुँची। अब भीड़ देखो, ओ माय गॉड, लाइक वायरस है, लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा, जो सबसे बड़ी गलती है उनकी। मास्क पहनना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार मास्क पहनना, क्योंकि इतनी भीड़ है और ओमिक्रॉन थर्ड लेयर, और आपको पता है कि यार उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो थोड़ा लगता है। लाइक ये हमारी रेड कलर की, मुझे रेड कलर का ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जैकेट भी वैसी पहन रखी है और ट्रेन तो है ही रेड, और मेरे इस साइड में देखो आप, अमेजिंग डबल डेकर ट्रेन खड़ी है, सबसे अच्छी, इसका सबसे बेस्ट रहता है यार। इसमें मैं जब ट्रैवल करूँगा लाइक इसके लिए मैं या तो जयपुर से दिल्ली उस रूट पे, क्योंकि ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करती है, कानपुर से चलती है, लखनऊ से चलती है दिल्ली के लिए, बट ये भीलवाड़ा अजमेर साइड में नहीं जाती है, क्योंकि यार मेट्रो सिटी के लिए ये ट्रेन बनी हुई है, मेट्रो सिटी टू मेट्रो सिटी के लिए, और हम ठहरे यार उदयपुर से, भीलवाड़ा से आने वाले जयपुर, तो उस अकॉर्डिंग। वैसे मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग, देखो इसकी जो नीचे साइड की सीट है ना, लाइक उसमें बैठने पे और ज़्यादा मज़ा आएगा, कि ऐसा लगता है कि आपकी साइड में ज़मीन चल रही है, डबल डेकर। इस साइड में देखो लाइक ये जो एक ऐसी ट्रेन है जैसे कि दीवार बनी है ना, दीवार, उस अकॉर्डिंग कैन यू इमेजिन SBI होम लोन।
और इसका नंबर ये कौन सी है, लाइक 11162 सी। सो आई होप आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और कनेक्ट रहना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको देखना। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शरद ट्रैवल ब्लॉग लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं ट्रेन में, हमारी ट्रेन चल चुकी है।